उन्नाव रेप मामले से जुड़ी, जहां पर पुलिस को घटना में इस्तेमाल ट्रक की सीसीटीवी फुटेज अब मिल गई है। जी हां, सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। पुलिस ने सीबीआई को रसीद और सीसीटीवी फुटेज सौंप दी है। कई अहम सबूत भी सीबीआई के हवाले के पूरे प्रकरण में अहम भूमिका निभाएंगे ये सबूत। बड़ी खबर आपको हम बता दें, उस ट्रक की सीसीटीवी फुटेज बरामद की जा चुकी है और सीबीआई को वो रसीद और सीसीटीवी फुटेज पुलिस की ओर से दे दी गई है। कई अहम सबूत भी सीबीआई के हवाले किए गए हैं। देखना अब ये होगा कि कितनी जल्द इस मामले में फैसला आता है। पूरे प्रकरण में अहम भूमिका ये सबूत निभाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से एक ट्रक के द्वारा टक्कर मार दी जाती है उस गाड़ी को जिसमें पीड़िता सवार होती है, तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही ट्रक है जिसके द्वारा टक्कर मारी गई है, गाड़ी को जिसमें पीड़िता, उसकी चाची, मौसी, ड्राइवर और साथ ही वकील भी सवार थे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ निराज अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पुलिस कहीं अब जाकर सख्ती से कार्रवाई करती नजर आ रही है, और क्या कुछ सबूत इसके अलावा हाथ लगे हैं निराज? जी दीपिका, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये इस उन्नाव रेप पीड़िता के हादसे के बाद से लगातार प्रशासन पर एक दबाव था, और इस मामले की जांच जब सीबीआई तक पहुंची और ये सीबीआई के हाथ में जब ये केस गया, तो सीबीआई ने पहले घटनास्थल का मुआयना किया और वहां के हालात देखे। उसके बाद जो यहां पर एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रही है जो प्रशासन के द्वारा सीबीआई को दी गई है, जिसमें उस ट्रक को जब वो टोल प्लाजा से निकल रहा था उस ट्रक की वीडियो है, और उस टोल प्लाजा का जो बिल वाउचर था वो बिल वाउचर और वो ट्रक की सीसीटीवी फुटेज और भी कई अहम सुराग जो है सीबीआई के हाथ सौंपे गए हैं। दीपिका, चालक और ड्राइवर की अगर बात चालक और परिचालक की जाए ट्रक को लेकर, तो उनको लेकर इस पर आपकी क्या अपडेट है अभी? क्या उनसे कोई अहम जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, उनसे बात करने की कोशिश की गई है, लेकिन प्रशासन की सख्ती की वजह से उनसे बात नहीं हो पा रही है। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि अब ये केस सीबीआई के हाथ में जाने के बाद उन्होंने मीडिया से दूरी बनाने में ही, ट्रक और क्लीनर ने, जो ट्रक के ऑनर हैं और जो क्लीनर हैं, उन्होंने मीडिया से दूरी बना रखी है। इस मामले पर बोलने से वो कतरा रहे हैं, हालांकि वो पुलिस की कस्टडी में ही है अभी। जी सिराज, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी क्या माहौल उन्नाव में बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से पहले रेप होता है, आरोप कुलदीप सेंगर पर लगता है, और उसके बाद ही जो सियासत यहाँ से शुरू होती है वो संसद के पटल तक जाती है। जी बिल्कुल, मामला जिस तरह से ये 2017 से तूल पकड़ रहा है, उसके बाद से ये जो इस तरह के कांड होते चले आए हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि उन्नाव रेप पीड़िता के साथ जो ये हादसा रायबरेली में हो रहा है, कहीं ना कहीं इस पर अगर देखा जा सकता है, जो इल्जाम कुलदीप पर लग रहे हैं और जो ये हादसा हुआ है, हादसे के बाद पीड़ित परिवार ने भी पूरा संदेह कुलदीप सेंगर पर डाला है कि कुलदीप सेंगर के जो गुर्गे थे उनके द्वारा ये कहा भी गया था कि ऐसा ऐसा हम तुम्हारे साथ करेंगे, अब मरवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ये सब पीड़ित के परिजनों के द्वारा कहा गया है। और अगर बात उन्नाव की जाए, तो जहां तक ये सूत्रों के हवाले से हमारे पास मतलब खबर भी है सूत्रों के हवाले से, तो उन्नाव में उनके घर में फोर्स भी लगा दी गई है, वो वकील का घर रहा हो या पीड़िता का घर रहा हो। जी शुक्रिया सिराज इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सीबीआई को रसीद और सीसीटीवी फुटेज सौंप दी गई है। जब टोल पर ये ट्रक पहुंचा था उस दौरान की ये फुटेज है।